हेलो एवरीवन, एपिसोड के स्टार्ट में तुम को दिखाते हैं जो कि अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हुए नॉर्मल राइड कर रहा था। दूसरी तरफ मुझ को दिखाते हैं जो कि गार्डन में वॉटरिंग कर रहा था और इसी के साथ बैकग्राउंड में एक लड़की की वॉइस सुनाई जाती है जो कहती है, टाइम कभी बदलता नहीं है, ये इतना जल्दी गुजर जाता है। अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए और वो चीज़ कर लेनी चाहिए। बेबी मुक के पास मैसेज करती है कि वह उसके लिए चिव डम्पलिंग्स पंथांग तोंग से उसके सीट पर लेकर आए क्योंकि उसने उसके लिए मेंस अंडरवेयर पाए किए थे, तो उस पर उसका उधार है। यह रीड करने के बाद मुक तो काफ़ी अनोय हो जाती है। दूसरी तरफ मुझ जब किचन में चेक करता है तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वह सीधा तोंग के पास जाता है और उससे कहता है एग्रीमेंट में क्या लिखा था। इस पर तोंग उससे कहता है, जब भी मैं वर्क करता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। यह सुनकर वो तो उसके लैपटॉप में देखने लगता है और फिर उससे पूछता है, वैसे तुम कर क्या रहे हो। इस पर तोंग कहता है, चाइनीज ट्रांसलेशन के कॉपीराइट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर रहा हूँ। खुद कहता है, लेकिन मैंने तो मुख से सुना है कि तुम्हें बस रिव्यू करने की ज़रूरत है एंड मुझे भूख लगी है। तोंग कहता है, तो जाकर खाना खा लो। खुद कहता है, तुम्हारे घर में बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है और फ्रिज में सिर्फ पॉज ही भरी हुई है। इस पर तोंग कहता है, तो फिर खाना ऑर्डर कर लो। इस पर मुझ कहता है, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है। तुम कहता है, तुम मेरा फ़ोन यूज कर सकते हो। मुझ कहता है, चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। इस पर तुम कहता है, नहीं एंड मुझे भूख नहीं लगी है। मुझ कहता है, लेकिन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें मेरी हर ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा एंड इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है एंड तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ एंड इस वक्त मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ, तो चलो खाने के लिए बाहर चलते हैं। और यह कहते हुए वह उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है, जैसे देख कर तुम गल्प करने लगता है और फिर वह उसके साथ खाने के लिए बाहर आ जाता है। कुछ लड़कियां बस तोंग की तरफ ही देखी जा रही थी। यह देख कर मुझ को अच्छा नहीं लगता तो वह उसके शर्ट के बटन करने लगता है। वह कहता है, कम से कम अपने शर्ट के बटन तो रखो, देखो वो लोग मेरे बजाय तुम्हें देख रही है। तोंग कहता है, मुझे इसी तरीके से ड्रेसअप करना पसंद है एंड क्या अब तुम्हें भूख नहीं लगी है। मुझ कहता है, क्या तुम खुश हो उन लड़कियों ने मुझे नहीं देखा या फिर तुम जेलस हो रहे थे। इस पर तोंग कहता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। और यह कहते हुए वह वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जब मुझ खाने के मेन्यू को देख रहा था तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वह तोंग से कहता है, तुम मेरे लिए भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं कुछ भी खा लूँगा। यह सुनकर फिर तोंग उसके लिए ऑर्डर कर देता है। वह वेटर मुझ पर हंसते हुए चला जाता है तो मुझ तोंग से कहता है, वो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ऑर्डर कैसे करना है एंड मुझे पता नहीं कि उन डिशेज का इतना लंबा रिडिकुलसन नाम कैसे हो सकता है, क्या मैंने तुम्हें एम्बेरेस करवा दिया। यह सुनकर तोंग कहता है, किसने तुम्हें ऐसा फील करवाया। और यह कहते हुए वह उठ कर जाने लगता है तो मुझ उसका हाथ पकड़ लेता है। तोंग उससे कहता है, मैं उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ एंड मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करे। तुम यहाँ पर पहले कभी नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आ नहीं सकती। हर व्यक्ति का हमेशा ही फर्स्ट टाइम होता है एंड मोर इम्पोर्टेंट, तुम यहाँ के कस्टमर हो, इसलिए किसी को भी हक नहीं है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करे। यहाँ सुनकर मुझ स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती तो तुम कभी ऐसा नहीं करते। तो हम कहते हैं, एग्जैक्टली मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मैं, यहाँ कहते हुए वह रुक जाता है। मुझ कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ एंड मैं खुश हूँ कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे। तो हम कहता है, मैंने कभी तुम्हें इग्नोर नहीं किया। मुझ कहता है, तुमने किया है, तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे अवॉइड करते हो और बस अपने रूम में वर्क करते रहते हो, यहाँ तक कि मेरा बनाया हुआ खाना भी नहीं खाते। तोंग कहता है, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझ कहता है, हाँ मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मेरा दिल, इसे तो फ़र्क पड़ता है ना। इस पर तोंग कहता है, लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। और तभी वहाँ पर वेटर खाना लेकर आ जाता है। उसके जाने के बाद मुझ कहता है, तुम अभी मुझे लाइक नहीं करते लेकिन एक दिन। तभी तोंग कहता है, चुपचाप जल्दी से खाना खा लो ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। तो मुझ उसे खाना खिलाने लगता है और तोंग वो बनाते हुए उसे खा लेता है। दूसरी तरफ मुख बीवी के पास फोन लेकर आ जाती है और वह उसे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन भी करने लगती है। बीवी उससे फूड लेती है और वह अपने एक मेंबर को देते हुए कहती है कि ये फूड वह सभी क्रू मेंबर्स को बांट दे। यह सब सुनकर मुख को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह बीवी से कहती है, तुम तो मेरे साथ इतनी ज़्यादा दूर नहीं गई थी, लेकिन तुम्हें आइडिया भी है कि मुझे पंथांग तोंग से यहाँ आने में कितना वक्त लगा है। बीवी कहती है, बस 1 घंटा। इस पर मुख कहती, नहीं, हाफ एन आवर, और उसके बाद ट्रैफिक जाम, और जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मैं पीरा
के घर पर थे एंड मैं चेक करने वाली थी कि उसके क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं ताकि मैं उसके लिए बाय कर सकूं। एंड जब से वो लड़का उसके साथ रहने लगा है मैं तो और भी ज्यादा थकने लगी हूँ, और उसके बाद तुमने मुझे कॉल कर दिया। अब मुझे फिर से उसके घर जाकर चीजों को चेक करना होगा। इस पर बीवी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें चेक करने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि तुम तो खाना भी नहीं बनाता, तो तुम्हें उसके लिए बस कुछ सामान ही तो बाय करना है। कहती है, लेकिन मसमूद तो बना सकता है ना, यू नोट उसके घर में बहुत सारा फूड था लेकिन मसमूद ने उसे 2 दिन में ख़त्म कर दिया। वह काफ़ी परेशान हो रही थी तो बीवी उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और कहती है, तो फिर मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। यह सुनकर मुख उठकर अपने फोरहेड पर हाथ रख लेती है क्योंकि उसे लगता है कि बीवी उसे किस कर लेगी। बीवी कहती है, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे फोरहेड पर किस कर लूँगी? तुम्हें रिवॉर्ड देने से पहले मुझे चेंज कर लेना चाहिए और उसके बाद हम घर चलेंगे। मुख उसे कुछ कहने ही वाली थी तभी बीवी उसे रोकते हुए कहती है, तुम भूलो मत मैं एक फ्रेजाइल सी उमनो जो खुद से घर भी नहीं जा सकती। मुख यह सब सुनकर काफ़ी परेशान होती है। दूसरी तरफ मुद और तंग दोनों मॉल में बार्गेनिंग करने के लिए आते हैं। तंग उससे कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। इस पर मुद कहता है, लेकिन अगर मैं खो गया तो लोग मुझे चिल्ड्रन सेंटर लेकर चले जाएंगे। इस पर तंग कहता है, तुम्हें वहाँ पर क्यों लेकर जाएंगे, तुम कोई बच्चे नहीं हो। मुद कहता है, लेकिन मुझे उन्हें बताना होगा कि जिस तोंगराक नाम के राइटर का वो लोग पेन यूज कर रहे हैं वो मुझसे बिलोंग करता है, और अगर तुम ही चले गए तो फिर कोई मुझे अपने घर लेकर चलाया जाएगा। यहाँ सुनकर तोंग कहता है, तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। मुद कहता है, नहीं क्योंकि मेरा बॉस तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। यह कहते हुए वह फूड बाय करने लगता है लेकिन वो तुम को पसंद नहीं आता। मुद कहता है, मैं जानता हूँ तुम कहने वाले हो कि यह काफ़ी ज़्यादा होट है, यह हमारी फर्स्ट डेट है तो मैं क्यों कर देता हूँ। इस पर तुम कहता है, किसने कहा कि हमारी डेट है। मुद कहता है, डेट का मतलब तो ये होता है ना कि हम अपने पसंदीदा पर्सन के साथ हैंग आउट करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और साथ में शॉपिंग जाते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? अगर कहा है तो फिर तुम मुझे करेक्ट कर दो। तुम कहता है, मतलब बस इतना सा है, हमने साथ में खाना खाया है और शॉपिंग की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुद कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने तुम्हारी जो नॉवेल रीड की थी उसमें तो मेन लीड ने मेन कैरेक्टर को जब खाने पर लेकर गया था तो उसने तो यही कहा था कि वह उसकी डेट है, या फिर मुझे इसे डेट कहने के लिए तुम्हें किस करना होगा। यह कहते हुए वह उसके क्लोज आता है लेकिन तुम अपने मुँह पर हाथ रख देता है। तभी मुद एक केबेज उठा लेता है और कहता है, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। तुम प्लस करते हुए कहता है, तुम्हें जो भी बाय करना है जल्दी करो, मुझे घर जाकर वर्क भी करना है। मुद कहता है, तो तुम ये सब कहते हुए इतना प्लस क्यों कर रहे हो। तुम इग्नोर करके फूड बाय करने लगता है लेकिन वह जो भी कुछ बाय कर रहा था वह अनहेल्दी थे, तो फिर मुद उन सभी चीज़ों को वापस रख रहा था। और जब तुम पोज बाय करता है तो मुद उसे मना करते हुए कहता है, ये ऑलरेडी हमारे फ्रिज में बहुत सारी है और क्या तुम ये सब खाकर मरना चाहते हो। तुम कहता है, नहीं और इन सब चीज़ों को तुम बाहर नहीं निकाल सकते। मुद कहता है, जब से तुम बैंकॉक से वापस आए हो तुम बस दिन रात काम करते रहते हो और तुम बस डिनर में भी स्नैक्स और बॉस ही खाते हो, एंड तुम्हारे में इतने सारे अल्कोहल देखकर मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं हुआ। एंड क्या तुम इस लाइफस्टाइल के साथ जल्दी मरना चाहते हो। तुम कहता है, मैं जल्दी नहीं मरूंगा क्योंकि यही मेरी लाइफ है। इस पर मुद कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ एंड मुझे नहीं पता कि तुम पहले किस तरीके से रहते आए हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पूरी इनकम तुम्हारे मेडिकल बिल्स में चली जाए, एंड ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकता। और तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा मेस्ड अप भी नहीं है कि तुम बहुत ही जल्दी और दिखने लग जाओ। यह सुनकर तुम कहता है, क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर मुद कहता है, नहीं तुम बस एडमिट कर लो तुम ओल्ड हो चुके हो। तुम कहता है, नहीं मैं ओल्ड नहीं हूँ। इस पर मुद कहता है, ओ कम ऑन मैं तो सच कह रहा हूँ, तुम लकी हो कि तुम अभी तक यंग हो वरना तुम और दिखते। यह सुनकर तुम को भी अपनी चिंता होने लगती है। मुद कहता है, प्लीज मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो क्योंकि मैं हम दोनों को एक साथ ओल्ड होते हुए देखना चाहता हूँ। यह कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। तुम अपने आप को टच करते हुए कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी ओल्ड नहीं हूँ और मैंने उससे नहीं कहा कि वह मेरा ख्याल रखे। दूसरी तरफ मुख को दिखाते हैं जो कि बीवी की लेप पर लेटी हुई थी, और वह बीवी से कहती है, मैं यहाँ पर आखिरकार क्यों लेटी हुई हूँ। इस पर
बीवी कहती है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो, इसलिए बस मैं तुम्हें रेस्ट करवा रही हूँ। इस पर मुख कहती है, और वो भी ऐसे, बीवी कहती है, क्यों, मेरी लेप में क्या प्रॉब्लम है? और जिस लेप पर अभी तुम लेटी हुई हो, ये एक फेमस एक्ट्रेस की लेप है, और इतना तुम्हें सुकून तो किसी प्राइजी कॉन्सर्ट के टिकट में भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर मेरे लेप में फ्री लेटने का मौका मिल रहा है। इस पर मुख कहते हैं, लेकिन मुझे वर्क पर जाना है। इस पर बीवी कहती है, वो कोई और कर लेगा। मुख कहती है, और वो कौन करेगा? बीवी कहती है, मसामुत। और यह कहते हुए वह उसे मैसेज कर देती है। मुख चेक करते हुए कहती, क्या तुम उससे बातें करती हो? तुमने उसका नंबर कब लिया? बीवी कहती है, नंबर तो हमने लास्ट टाइम ही एक्सचेंज कर लिए थे। और फिर वह उसे एक बुक दिखाते हुए कहती है, तुमने मुझे ये लास्ट ईयर दी थी, एंड फाइनली मैं अब इसे रीड कर रही हूँ, तो क्या तुम इसे स्टोर में मुझे बता सकती हो? उस बुक को देख वह खुश हो जाती है, और फिर वह उसे एक्सप्लेन करने लगती है, और फिर वह रुक जाती है। तो फिर बीवी कहती है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? मैं इंजॉय कर रही थी। इस पर मुख कहती है, मैं अब वो नहीं बताने वाली, तुम खुद रीड करने ला। इस पर बीवी कहती है, तुम्हारे मुंह से सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यह कहते हुए वह उसके क्लोज आ जाती है, तो मुख तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। नाइट में जब मुख की आंख खुलती है, तब वह बीवी को लेटे हुए देखती है, तो उसके पास जाकर कहती है, प्लीज़ मुझे इस तरीके से टीज करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें तो कोई अंदाज़ा नहीं है कि इससे मुझ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तुम तो उमस को लाइक भी नहीं करती हो। और यह कहते हुए वह उसका फेस को टच करने जाती है, लेकिन वह रुक जाती है। दूसरी तरफ जब तुंग और मुद घर आते हैं, तभी वहाँ पर तुंग की सिस्टर प्रिन वहाँ पर आ चुकी थी, और वह उससे कहते हैं, तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? तुंग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? प्रिन कहती है, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, और मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। इस पर तुंग कहता है, मेरी सिर्फ एक ही बड़ी बहन है, और वह पाम, एंड इसके अलावा मेरी और कोई भी सिबलिंग नहीं है। प्रिन मुद की तरफ देखते हुए कहती है, तो फिर ये लड़का कौन है? क्या ये तुम्हारा कोई नया सर्वेंट है? लेकिन ये तो बिल्कुल हिल पिली की तरह लग रहा है। यह सुनकर तुंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। प्रिन कहती है, एक दिन मैं डिपार्टमेंट स्टोर गई थी, और मैंने वहाँ पर तुम्हारे सेक्रेटरी और तुम्हारे उस बेस्ट फ्रेंड को देखा था, और वो दोनों मेंस के क्लोथ को बाय कर रही थी, लेकिन वो तो तुम्हारा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बस मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुमने तो मेरा कॉल पिकअप ही नहीं किया था, और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मुझे लगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, लेकिन यहाँ तो तुम कुछ और ही कर रहे हो। तुम कहता है, क्या तुम्हारे पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम है? मुझे तो तुम्हें देख कर बहुत ही जेलस ही होती है, क्योंकि मैं तो अपने वर्क की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, एंड मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम कैसे हो सकता है कि वह दूसरे लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करे। एंड अगर मेरे पास तुम्हारे जितना इतना लग्जूरियस सा फ्री टाइम होता, तो मैं घर पर रहता और अपने आप को इम्प्रूव करता। प्रिन कहती है, मैं तो बस फैमिली मेंबर होने के नाते तुम्हारी चिंता कर रही थी, एंड मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी रेपुटेशन बिल्कुल भी ख़राब हो, और तुम अच्छे से जानते हो इन सब चीज़ों की वजह से आंटी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, और बस मैं तो उनके रिलेटिव होने के नाते उनकी चिंता कर रही थी, मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ भी हो, और अगर कुछ भी हुआ तो इससे हमारी फैमिली की इमेज पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तुम कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, क्या वह ठीक है? प्रिन कहती है, क्या तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तुम कहता है, नहीं, तुमने तो पहले फैमिली के बारे में बात की थी, इसलिए बस मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा था। प्रिन कहती है, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम कहता है, क्योंकि तुमने उसे इन्वेस्टमेंट के लिए 10 मिलियन बात जो दिए थे, इसलिए तुम्हें मेरे बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। प्रिन कहती है, मैं उसे मनी दूँ या फिर ना दूँ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम कहता है, लेकिन उसका बिजनेस तो फ्लॉप हो चुका है। प्रिन कहती है, तुम उसे झूठ बोल रहे हो। तुम कहता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, और उसने तुमसे क्या कहा था? मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट टाइम पर नहीं कर पाए, इसलिए मुझे तुम थोड़ा सा वक्त दे दो, वगैरह वगैरह। यह सुनकर प्रिन शॉक होती है। तुम कहता है, मैंने लास्ट मंथ ही उसे हुकर्स के साथ देखा था, इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो, और थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करने में ध्यान दो। प्रिन कहती है, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? देखो, मैं जाकर इस बारे में मॉम को बताती हूँ, एंड इसके साथ ही मैं आंटी से भी कहूँगी कि तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो। तुम कहता है, लेकिन तुमने जो भी कहा है वो सच ही तो कहा है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली मेंस को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। प्रिन कहती है, मैंने कभी भी किसी मैन को पैसों के लिए बाय नहीं किया है, एंड मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी किराए पर लिया है, जिसके लिए वह मुझे पे बैक कर देगा। यह सुनकर तुम मुद का हाथ पकड़ता है और कहता है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड तुमसे कहीं ज़्यादा बेटर है। और यह कहते हुए
वह मुद को वहाँ से लेकर चला जाता है और प्रिन अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अंदर आकर तुम सीधा अपने रूम आता है और काफी रोने लगता है। तभी मुद उसके पास आता है तो वह उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन मुद उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम खाने में क्या खाना चाहते हो। यह सुनकर तोंग उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम बाहर चले जाओ। लेकिन मुद उससे कहता है, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। यह सुनकर तोंग उससे कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा है कि अभी यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। यह सुनकर मुद वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन तुम अभी भी खाने के लिए नहीं आता। मुद उसका वेट करता रहता है और फिर वह खाने को फ्रिज में रखकर सोने के लिए चला जाता है। नाइट में तुम की आँख खुलती है और जब वह टाइम देखता है तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका था। वह मुद के पास जाता है, वह उसके डोर को नॉक करने जाता है लेकिन वह फिर नहीं करता और फिर वह नीचे आ जाता है जहाँ पर उसे प्लेट में खाना ढका हुआ मिलता है और साथ में एक नोट में लिखा था कि खाना इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो फिर तुम उसे रोते हुए खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मुद जब उठ कर आता है तो तुम उसे कहता है, जल्दी से जाकर सावा ले लो। यह सुनकर मुद शोक होता है और कहता है, क्या? इस पर तोंग कहता है, मैंने कहा जल्दी से जाकर सावर ले लो, हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तो फिर मुद शोक होते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं तोंग मुद के लिए बहुत सारे सूट बाय कर रहा था। तो फिर मुद उसे मना कर देता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर तोंग कहता है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। मुद कहता है, अगर तुम अपने लिए बाय करते तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता, लेकिन तुम ये सब मेरे लिए बाय कर रहे हो। इस पर तोंग कहता है, हाँ ये सब मैं तुम्हारे लिए बाय कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे। और यह कहते हुए वह फिर से उसके लिए सूट सेलेक्ट करने लगता है लेकिन मुद उसका हाथ पकड़कर उसे चेंजिंग रूम लेकर आ जाता है। तंग उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े बाय करने जा रहा हूँ एंड तुम मुझे नहीं रोक सकती। मुद कहता है, मैं तुम्हारा सुगर डैडी हूँ, तुम इसलिए बाय कर रहे हो या फिर तुम भी उस लड़की के पास से एग्री करते हो। इस पर तोंग कहता है, नहीं मैं उस बेहुदा लड़की के पास से एग्री नहीं करता। मुद कहता है, लेकिन तुम मेरे लिए सूट बाय कर रहे हो, तुम मुझे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो अपने लिए ढंग के कपड़े भी बाय नहीं कर सकता। यह सुनकर तुम चुप हो जाता है। मुद कहता है, अगर कोई मुझे नीचा दिखाना चाहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी लोग मुझे मनी देते हैं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनकी वजह से तुम्हें अपना गुजारा कर पाता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई है, जो लोग मेरी परवाह करते हैं या मैं जिनकी परवाह करता हूँ वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे फ़र्क पड़ता है, तो क्या तुम भी मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। यह सब सुनकर तुम मना कर देता है। मुद कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर दया आती है, क्या मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ। तुम मना कर देता है। मुद कहता है, मैं तुमसे यह सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परवाह है, बाकी उस डायपोलिकल गर्ल ने क्या कहा मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह सुनकर तुम कहता है, हे तुमने उसे क्या कहा। मुद कहता है, डायपोलिकल, अगर मैं मेरे होम टाउन होता तो मैं तो उसे पिच कहने वाला था। यह सुनकर तुम कहता है, अगर उसने सुन लिया होता तो फिर वह तो तुम पर भड़क पड़ती। यह सुनते ही मुद आकर तुम को किस कर लेता है। तुम शौक होते हुए कहता है, हे तुम्हें दिखता नहीं है हम लोग चेंजिंग रूम में हैं। इस पर मुद कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है बाहर वाले लोगों को यही लग रहा होगा कि हम लोग सच में सूट चेंज कर रहे हैं। इस पर तुम कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग नॉवेल में हैं। इस पर मुद कहता है, वेल मैं एक राइटर को पसंद करता हूँ इसलिए मुझे तो इमेजिन करना ही होगा। तो यहाँ सुनकर तोंग उसके क्लोज आकर कहता है, तो फिर हम लोग हमारे इमेजिनेशन को ट्राई करते हैं। और यह कहते हुए वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। लेकिन तभी एक एम्प्लॉय आकर उन दोनों को आवाज़ देता है। लेकिन तोंग वह तो मुद को किस करने के लिए इन्वाइट कर रहा था और तोंग उसे रजिस्ट कैसे करता। तो मुद उससे कहता है, हम लोग कुछ देर में बाहर आ जाएंगे। और यह कहते हुए वह फिर से तोंग को किस करने चाहता है लेकिन तोंग उसे रोकते हुए कहता है, उसने सारा मूड खराब कर दिया, लेकिन हम लोग सूट बाय करने के बाद ये सब फिर से कंटिन्यू करेंगे एंड मैं तुम्हें बिल्कुल भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था एंड ना ही मैं तुम पर दया कर रहा था और ना ही मैं तुम्हें अपने मनी के जरिए तुम्हारी इंसल्ट कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें रिपे करना चाहता था। यह सुनकर मुद उससे कहता है, लेकिन किस लिए। इस पर तुम कहता है, मेरे लिए ऑमलेट राइस बनाने के लिए। मुद कहता है, इसका मतलब मैं जो भी तुम्हारे लिए कुक करता हूँ
वो तुम्हें पसंद आता है यह सुनकर तुम एक क्यूट सा फेस बनाता है। यह देख खुद कहता है, ओ माय गॉड तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और यह कहते हुए वह उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो तोंग की नॉवल को रीड कर रहा था, जिसे रीड करते हुए वह काफ़ी स्माइल कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।